हम बारिश से जहां कुछ किसानों के चेहरों पर मुस्कान देखने को जरूर मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर जल निकासी के समुचित प्रबंध न होने के कारण जल भराव से जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। चालान के विभिन्न स्थानों पर जल निकासी के समुचित प्रबंध न होने के कारण स्थिति खराब दिखाई दे रही है। सरसा कलार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुई या फिर सौ श्रमदान स्थित SPS विद्यालय या फिर कुठून कस्बे का मुख्य बाजार, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुठून कस्बे में तो मुख्य बाजार स्थित दुकानदारों को तो राम से काम पड़ गया है। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही झमाझम बारिश से जहां एक और किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लगातार बारिश की वजह से लोगों को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से बारिश यहां पर हो रही है तो कई ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हो गए हैं, भारी पानी उनके भर गया है, लोगों का आना जाना एकदम से रुक गया है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लोगों को पानी से राहत और ठंडक जरूर मिली है, किसानों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन भारी बारिश से, लगातार हो रही बारिश से कहीं ना कहीं नुकसान जरूर नजर आ रहा है। अब ऐसी हालात में चाहिए लोगों को सतर्क रहें, क्योंकि कच्चे मकान और जहां पानी जलभराव ज़्यादा हो रहा है वहां लोगों को नुकसान होने का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजी दरवान के न्यूज़ चालौन। यूपी के सीएम